इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस। हम देखेंगे कि कैसे हम इसको चेक करेंगे एबीजी को, ठीक है। एबीजी यानी आर्टेरियल ब्लड गैस का जो सैंपल है उसमें जो पैरामीटर्स है, पहले हमें उनकी जो है कि उनकी नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। इस पेज पे मैंने वो नॉर्मल रेंज लिख के दी है, लिख के रखी है, आप इसको देख सकते हैं ईजिली। अब इस इन नॉर्मल पैरामीटर से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स आती है, लाइक एज यू कैन सी हियर एसिडेमिक, अल्कलेमिक, हाइपो कैपनिया, हाइपर कैपनिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपर ऑक्सीमिया, हाइपो और हाइपर नाइट्रीमिया, हाइपो और हाइपर कैलीमिया, हाइपो और हाइपर ग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस इज़ पीएच, PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाइकार्बस, बेस एक्सेस, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, और ये इनकी रेंज यहाँ पर दी गई है। अब जो अगर इन इस रेंज से जो अगर कम होगा तो क्या होगा, इस रेंज से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर ब्लड का पीएच 7.34 से कम होगा तो एसिडेमिक, इसी तरह से ज़्यादा होगा तो अल्कलेमिक, अगर PCO2 कम होगा तो हाइपोकैपनिया, अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरकैपनिया, अगर PO2 कम होगा तो हाइपोक्सीमिया, अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरऑक्सीमिया, इसी तरह से जब सोडियम लेवल अगर 135 से कम होगा तो हाइपोनैट्रीमिया, अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरनैट्रीमिया, अगर कम अगर पोटेशियम लेवल 7 पॉइंट अगर पोटेशियम लेवल 3.6 से कम होगा तो हाइपो, अगर ज़्यादा होगा तो 5.2 से ज़्यादा होगा तो हाइपरकैलेमिया, इसी तरह से ग्लाइसीमिया स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज लेवल, अगर ग्लूकोज लेवल कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, इसी तरह से अगर लैक्टिक एसिड मोर देन 1 मिलीमोल्स पर लीटर होगा सो दैट विल बी कॉल्ड द लैक्टिक एसिडोसिस, इफ़ द लैक्टिक एसिड लेवल इज़ मोर देन 1 मिलीमोल्स पर लीटर। सो ये थी कुछ टर्म्स रिलेटेड विद दीज रेंजेस। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं ये, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम होगा, अल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा होगा, एसिडोसिस में पीएच कम होगा, अल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच कम होगा, PCO2 ज़्यादा होगा, यानी इसका अपोजिट। अल्कोलोसिस में, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा होगा, PCO2 कम होगा, यानी इसका अपोजिट। यहाँ पर आप रखोगे याद अपोजिट, OPPO SIT, अपोजिट यहाँ पर आपको याद रखना है, यानी एसिडोसिस में पीएच कम, अल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा, लेकिन इनका अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो इनका अपोजिट होता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको इक्वल याद रखना है, जैसे कि पीएच कम है, एसिडोसिस में पीएच कम होता है और अल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा होता है, पीएच कम है लेकिन बाइकार्ब भी कम है, पीएच ज़्यादा है और बाइकार्ब भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इक्वल। इस तरह से आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये ईजी निमानिक है। रेस्पिरेटरी में आपको याद रखना है अपोजिट, मेटाबॉलिक में आपको याद रखना है इक्वल। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊँगा, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ कॉमेंट में मैंशन कीजिए।